हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोटो ईवीएस 2.0। आज मेरे साथ है एक इंडिया की जानी मानी शानदार एसयूवी, मारुति सुजुकी जिमनी इन द ग्रीन कलर। सो ये है इसका टॉप वेरिएंट अल्फा ऑटोमेटिक। इसमें आपको एक एसयूवी का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो झलक के आने वाला है। कुछ ऐसा व्यू जो है इस कार का ओवरऑल आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितना शानदार है। इसके जो कर्व्स है एकदम बॉक्सी डिज़ाइन है और जो कर्व्स है ना एकदम परफेक्टली एक्यूरेट है। यहाँ पे जो है आपको पीछे अलॉय व्हील्स, आगे भी अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बात करता हूँ इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये एक एसयूवी होने वाली है ऑफ रोडिंग के लिए। उसके बाद में इसमें आपको मिलता है पावर स्टेयरिंग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंड 6 एयर बैग्स। उसके बाद आगे अगर मैं आता हूँ तो इसमें आपको मिलने वाले हैं फॉग लाइट्स। यहाँ पे आपको दिखते हैं फॉग लाइट्स। उसके बाद में आपको इस कार में एसी भी मिलने वाला है, एलईडी प्रोजेक्टर, हेडलैम्प जो है आपको मिल जाते हैं। तो इसमें जो है आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का वॉशर भी मिलने वाला है, जहाँ से पानी आएगा आपके हेडलैम्प्स को वॉश करने के लिए। अगर आपकी कार ऑफ रोड में चलती है, मड उड़ती है, तो आपके जो है हेडलैम्प साफ़ करने के लिए इन्होंने वॉशर दे के रखे, जैसे कि आपके कांच पे होते हैं। सो ये होने वाला है आपका ऑल व्हील ड्राइव। आगे आपको मिलता है डिस्क ब्रेक और पीछे जो है आपको मिलने वाले है ड्रम ब्रेक्स। सो कुछ क्लासिक एलॉयज जो है आपको इस पर देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ ऐसा इसका व्हील का डिज़ाइन होने वाला है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ 15-inch टायर, 195/80 R15 का जो है टायर इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सो आ जाते हैं इसके इंजन की ओर। तो 16.39 KMPL का आपको माइलेज मिलने वाला है। इसमें जो आपको 1.5 लीटर का इंजन देखने के लिए मिलने वाला है, जो जनरेट करता है 103.39 BHP की पावर एट 6000 RPM और 134.2 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको इसमें मिलने वाला है, जो कि आपको आता है 4000 RPM पे। तो जो पावर और टॉर्क डिलीवरी है वो काफ़ी जल्दी आपको आने वाली है। 4 सिलेंडर का इंजन होने वाला है। दिस गेट्स पेट्रोल वेरिएंट ओनली। 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपको इसमें मिलने वाला है और 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जो है आप इसमें देखोगे। सो दिस कार जिमनी इज़ ब्रॉट टू अस टू आवर चैनल बाय चौगुली मोटर्स, स्वारगेट पुणे। अगर आपको भी जिमनी का टेस्ट राइड करना है, जिमनी बुक करनी है, तो प्लीज़ विजिट चौगुले मोटर्स स्वारगेट। नेक्सा का जो है इनके शोरूम है, वहाँ पे आपको नेक्सा की सारी कार जो है देखने के लिए मिलने वाली है। तो बात करूँ जिमनी के बारे में, ओके, सो माय पर्सनल थॉट्स अबाउट दिस कार इज़ दैट इट हैज़ अ बॉक्सी डिज़ाइन स्पेसिफिकली ट्यून्ड फॉर ऑफ रोडिंग। और इसमें जो स्लाइट टचेस है, जैसे कि हेडलैम्प वॉशर्स है, वो इसको एक परफेक्ट ऑफ रोडर कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। इसमें जो है आपको एक अच्छा सा केबिन, आप इसे एज अ फैमिली कार एज वेल एज अ ऑफ रोड कार भी यूज़ कर सकते हो। और इसके जो टायर्स है उसमें भी थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग का कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिल जाता है। एंड दिस कम्स इन ऑल व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव का इसमें ऑप्शन मिलने वाला है। तो ये कहीं पर भी रुकने नहीं वाली ऑफ रोड पर। तो आइए देखते हैं इसका इंटीरियर। इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड प्लीज़ डू विजिट चौगुले मोटर्स स्वारगेट पुणे एंड टेस्ट राइड योर जिमनी टुडे। सो खोलता हूँ मैं इसका फ्रंट डोर। फ्रंट डोर से अंदर आते ही आपको जो एक शानदार सा केबिन यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। इसका जो स्टेयरिंग है वो टिल्ट एडजस्टेबल है, तो वो भी एडजस्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डोर देखिए, प्लेन सिंपल ऑफ रोडिंग कैरेक्टरिस्टिक का डोर आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। अभी मैं आपको स्टीयरिंग का जो है एडजस्टमेंट वो दिखा देता हूँ। सो स्टीयरिंग का नीचे से एक बटन है, ये देखिए, ये टिल्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छा एंगल प्रोवाइड कर देता है ये। और उसके बाद में ये एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से मतलब डोर्स खुले वो भी दिखा देता है। आपको मिलता है एनालॉग में
टैकोमीटर एज वेल एज एनालॉग में स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दिखाने वाला है। आपको मिलता है एक बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम, इस कार में आपको एसी भी मिलने वाला है एंड यू गेट एब्सोल्युटली स्टनिंग ग्राफिक्स। यहाँ पे हैंडल बार मिल जाता है आपको होल्ड करने के लिए। सीट्स जो है बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल जो है होने वाली है। उसके बाद में ये देख सकते हो आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलने वाला है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, और यहाँ पे आपको जो है मिलने वाला है टू व्हील ड्राइव हाई फोर व्हील ड्राइव ओके। और फिर यहाँ पे जो है आपको हैंड ब्रेक देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आपको चारों डोर्स पे जो है पावर विंडोज देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे है आपका पावर विंडो का स्विच। सो काफ़ी प्रीमियम है इसका इंटीरियर। और लेगरूम के बारे में बात करूँ, सीट थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो काफ़ी एक्सेसिबल जो है मेरे लिए ए बी सी पैडल्स होने वाले हैं। हालांकि इसमें क्लच नहीं है बिकॉज दिस इज़ ऑटोमेटिक, बट काफ़ी एक्सेसिबल जो है ये कार होने वाली है। और देखिए कितना अच्छा व्यू आता है, पूरा बोनट दिखता है मुझे मेरी हाइट से। सो आई एम 6 feet tall, आई एम योर फेवरेट मोडो एवियस 2.0। काफ़ी प्रीमियम जो है फील मुझे इसमें बैठने के बाद आ रहा है। सो ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं। 210 mm का जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, और 2590 mm का व्हील बेस जो है इस कार में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सो कमिंग टू द रियर व्यू ऑफ द कार, सो यहाँ पे जो है आपको 211 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है। और ये जो स्टेपनी है ना, ब्रिजस्टोन का बैजिंग आपको इसमें मिलता है, सुजुकी का भी लेबल आपको इसमें दिखने वाला है। काफ़ी प्रीमियम सा लुक जो है कार को दे देते हैं। अगर मैं इसे खोलूँ तो देखिए भाई अपने आप खुल जाता है, 211 लीटर का बूट स्पेस, इसमें मैं आराम से बैठ जाऊंगा। यहाँ पे आपको चारों टायर्स पे कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने के लिए मिलने वाले हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स और आगे डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से जो है आप सीट एडजस्ट भी कर सकते हो। सो इसमें आपको रिक्लाइन एंगल भी सेट कर पाओगे और आप सीट को कोलैप्स भी कर पाओगे, तो दोनों भी सीट जो है आपके कोलैप्स होने वाले हैं। सो देखिए इसको ऐसे फोल्ड करने पे आगे चला जाएगा और आप इसका रिक्लाइन एंगल भी एडजस्ट कर पाओगे। सो आप इसका जो है रिक्लाइन भी सेट कर पाओगे ऐसे। सो काफ़ी अच्छा जो है कंफर्ट ये कार आपको प्रोवाइड करने वाली है। आइए अभी देखते हैं पीछे की सीट पे बैठ के। सो स्पेशल टच फॉर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, यहाँ पे आपको एक हुक दिख जाता है। और सामने की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो है आपको आइसोफिक्स माउंट यहाँ पे अंदर नीचे देखने के लिए मिलने वाला है। चार सीट बेल्ट आपको मिल जाते हैं। उसके बाद इफ़ आई सिट इन दिस कार, तो फ्रंट का जो ड्राइवर सीट है वो मेरी हाइट से एडजस्टेड है, और कुछ देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा जो है नी रूम मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। सो लेग रूम डिसेंट है। आई एम 6 feet tall, योर फेवरेट मोडो एवियस 2.0। सो चारों सीट पे आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस पे देखने के लिए मिलने वाला है। सो ऐसा कुछ पीछे से व्यू आने वाला है कार का। यहाँ पे आपको ऊपर हेडलैम्प भी देखने के लिए मिल जाता है। सो यहाँ पे जो है इंटीरियर पे फिर से आ जाते हैं वापस, तो 9 inch का जो है टच स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टच स्क्रीन जो है काफ़ी सही होने वाला है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है टच स्क्रीन इनका। मैं देखूँ काफ़ी मस्त है ये, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। उसके बाद में आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे जो है आपको फ्रंट पावर विंडो के दो कंट्रोल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे डाउनहिल क्लाइंबिंग के लिए आपको असिस्टेंट मिल जाता है एक। उसके बाद में आप यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको गियर में मिलता है एक स्पेशल लो मोड, मतलब जब आप डाउनहिल क्लाइंब कर रहे हो तब गाड़ी जो है स्लो स्पीड में चलेगी, मतलब ब्रेकिंग के साथ चलेगी थोड़ा। तो यहाँ पे जो है आपको एक स्पेशल नॉब देखने के लिए मिलने वाला है। 2H मतलब 2H मतलब टू व्हील ड्राइव, 4H मतलब फोर व्हील ड्राइव। तो इसको आगे करने पे टू व्हील ड्राइव पे जाएगा, पीछे करने पे फोर व्हील ड्राइव पे आएगा, टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव ओके। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो है देखने के लिए मिल जाएगा। सो आता हूँ स्टेयरिंग पे, तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल फॉर योर इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है मिलने वाले है। सो इफ आई जस्ट प्रेस देन द स्क्रीन विल चेंज। वॉल्यूम जो है कम ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, तो काफ़ी जो है सही है ये बटन्स भी। उसके बाद में यहाँ पे आपको सुजुकी का असिस्टेंट का बटन मिल जाएगा, कॉलिंग के लिए बटन्स मिल जाएंगे। एंड कमिंग टू द ऑफ रोड कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे जो है आपको काफ़ी अच्छा एक ग्रैब हैंडल मिलने वाला है होल्ड करने के लिए, और आपको पीछे भी रियर में भी आपको पावर विंडोज मिलने वाले हैं विद पावर स्विच, एंड दिस इज़ द बटन टू स्विच इट ऑन ऑफ ऑन और ऑफ।
यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। काफ़ी प्रीमियम कुछ कार जो है आपकी देखने वाली है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक USB सॉकेट भी मिल जाता है चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्लोव बॉक्स भी हम देख सकते हैं, अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे बैठ जाएंगे आपके यहाँ पे। तो कंप्लीट ऑफ रोडिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है ये कार में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एंड दिस कार इज़ गोइंग टू बी कीलेस बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट सेंसर एंड द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ पे आपको जो है हाइब्रिड का ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे से आपके जो है फ्रंट के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लेवल अप डाउन कर सकते हो। AC वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं और पीछे कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है लुक। तो सीट्स आर क्वाइट कम्फर्टेबल। आइए चेक करते हैं 6 feet 2 people बैक टू बैक कैसे बैठते हैं इस कार में। सो देर इज़ आर स्पेशल गेस्ट दीपक जी, 5 feet 8 inch इनकी हाइट है और ये बैठे हैं अब ड्राइवर सीट पे। और इनके पीछे जो है 6 feeter विवेक संत बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लेग रूम भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है। 2 5 feet 5 inch ऊपर बंदे हैं, 5 feet 8 inch और 6 feet tall। तो आपको काफ़ी अच्छा जो है लेग रूम इस कार में देखने के लिए मिलने वाला है। तो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट ऑन मोटो एवेस 2.0। सो आई टेल यू 3 reasons why यू शुड कंसिडर द मारुति सुजुकी जिमनी। फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ अ कम्प्लीट फैमिली कार एज वेल एज अ ऑफ रोडिंग कार, कि आप इसे ऑल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज इसमें आपको 2-wheel drive और 4-wheel drive का एक गियर मिल जाता है एडिशनल, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो और इससे आपका माइलेज भी बढ़ेगा। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट बिकॉज ऑफ मारुति सुजुकी, मारुति का नेटवर्क जो है वाइड स्प्रेड है, कहीं भी आपको सर्विसिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसे ऑफ रोड पर आराम से लेके जा सकते हो। सो स्पेशल थैंक्स टू नाना साहेब एंड अजिंक्य फॉर लेटिंग मी रिव्यू देयर जिमनी। बताइए कि सबसे अच्छा फीचर क्या है जिमनी में? सर सबसे अच्छा फीचर जो है ना, गाड़ी ऑफ रोडिंग है। अच्छा, गाड़ी जो है ऑफ रोडिंग है, दैट इज द बेस्ट फीचर ऑफ दिस कार। यस, एंड इसमें सर आपको हेडलैम्प वॉशर दिया हुआ है, तो आपके सेफ्टी के हिसाब से आप ये अच्छा है। ओके, सो थैंक्स बोथ ऑफ यू फॉर रिप्रेजेंटिंग जिमनी, फॉर रिप्रेजेंटिंग सौगले मोटर्स। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मोटो एवेस 2.0। थैंक यू सर।